स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस क्लास में। और इस क्लास में जो है हम बेसिक और फंडामेंटल की चीजों को देख रहे हैं। हम इस समय देख रहे हैं फाइल, जो मेन्यू है एमएस वर्ड का, जो पहला मेन्यू होता है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं। जब भी आप एमएस वर्ड पर काम करने जाते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सीख लेनी होती है, जो कि सबसे शुरुआत में जो है आपको बताया सिखाया जाता है। वही क्लासेस चल रही हैं और इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो है अगर आप एमएस वर्ड पर आ गए हैं और एमएस वर्ड पर जो है आप अलग अलग भाषाओं में लिखना चाहते हैं, आप जो है इस पर सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं अभी देखिए एमएस वर्ड ओपन कर लिया हूं और इसमें मैं जब भी कुछ टाइप करूंगा तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप होता है। अगर इंग्लिश के अलावा भी आप कुछ और भाषाओं में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, तमिल में लिखना चाहते हैं, बंगाली में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, इस तरह की भाषाओं में अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है कैसे इसमें पॉसिबल है। अगर आप हिंदी वगैरह में लिखना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है जो है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उसके लिए करना क्या होगा कि आप जो है एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए, उसके बाद से अल्ट एफ टी प्रेस करिए। अल्ट प्लस एफ प्लस टी प्रेस करेंगे तो आप वर्ड ऑप्शन में आ जाएंगे। वर्ड ऑप्शन में आने के बाद से आपको चलना है लैंग्वेज में। यहाँ देखिए जो है सेव के ठीक नीचे लैंग्वेज दिया हुआ है। लैंग्वेज में अगर आप आएंगे तो मैंने दो भाषाओं को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, एक मैंने इंग्लिश इंस्टॉल किया है, दूसरा मैंने हिंदी इंस्टॉल किया है। इसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज अगर आपको चाहिए तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐड करके उधर दिखा देता हूँ। उदाहरण के लिए अगर आपको उर्दू में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेज। आपको इस डाउन ट्रायंगल पर क्लिक करना है, आपको ढेर सारे लैंग्वेजेज आप यहाँ पर मिल जाएंगे। आप जिस भाषा को चाहें उसको जो है आप क्लिक करिए, क्लिक कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पर ऐड का बटन शो करने लगेगा। तो मैंने कहा था हम उर्दू लैंग्वेज को ऐड करेंगे। चलिए हम उर्दू देखते हैं इसमें उर्दू कहाँ पर है। तो ये अल्फाबेटिक क्रम में जो ऊपर से नीचे तक की तरफ होता है, यहाँ दिया है उर्दू इंडिया, तो मैंने उर्दू इंडिया पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद से जो है यहाँ पर ऐड का बटन दिख रहा है। ये नीचे जो है चेक रहता है, लेट मी नो व्हेन आई शुड डाउनलोड एडिशनल प्रूफिंग टूल्स। अगर इसको चेक रखेंगे तो अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं उर्दू में और उसमें कुछ गलत है तो प्रूफिंग टूल्स जो है डाउनलोड करने का वहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करते ही मेरे पास इंग्लिश और हिंदी था, उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो है इंडिया में उर्दू इंडिया आ चुका है, उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसे आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉट इनेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुल जाएगा, टेक्स्ट सर्विसेज एंड इनपुट लैंग्वेजेस, ये खुल चुका है। अब क्या करना है देखें आप, यहाँ पर मैंने दो कीबोर्ड ऐड किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का। अब आपको उर्दू का भी कीबोर्ड ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे आप, आपको यहाँ पर ऐड का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारी भाषाएं दिख रही हैं। उर्दू इसमें से ढूंढिए कहाँ पर है। तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर यस है, टी है, यू यू से मैं उर्दू में आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिए उर्दू कहाँ पर है, उर्दू पर क्लिक करिए। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड दिखाई देगा, आपको क्या करना है, उर्दू का यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है, चेकबॉक्स दिख रहा है, इसे बस क्लिक करके और ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे देखें यहाँ पर उर्दू आ चुका है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और यहाँ पर उर्दू आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। और अब आपने जो है उर्दू को यहाँ पर इनेबल कर लिया है, लेकिन आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा देखिए क्लिक करके भी आ रहा, प्लीज रिस्टार्ट ऑफिस सो दैट योर लैंग्वेज चेंजेस कैन टेक इफेक्ट। तो मैंने ओके कर दिया। मैं एमएस ऑफिस को यहाँ पर क्लोज करता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज कर देने के बाद से मैं फिर से एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ, एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चल करके, वहीं पे अल्ट एफ टी प्रेस कर रहा हूँ और मैं गया था कहाँ पे, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे आ गया। अब आप जो है ये उर्दू लैंग्वेज जो है अब आपका काम करेगा। कैसे काम करेगा, अब आपको काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका शॉर्टकट की जानना होगा। शॉर्टकट की होता है अल्ट एफ, सॉरी अल्ट और टैब होता है, क्या होता है, अल्ट टैब होता है या अल्ट शिफ्ट होता है, ये दो जो है शॉर्टकट की होते हैं। जैसे ही अल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे या अल्ट टैब प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज चेंज होता है और ये लैंग्वेज चेंज होते हुए आपको दिखेगा भी। यहाँ नीचे अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है ई एन क्या है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हिंदी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे उर्दू दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं अल्ट और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करें, देखिए अल्ट शिफ्ट प्रेस किया, अब आपको एच आई दिखाई दे रहा है, यानी हिंदी हो गया, हिंदी पे चेक हो गया। फिर से मैं आपको जो अल्ट और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट शिफ्ट प्रेस किया तो अब देखिए ये हिंदी दिख रहा था, अल्ट शिफ्ट फिर से मैंने प्रेस कर दिया और अब देखें यू आर दिखाई दे रहे हैं, उर्दू हो गया। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो विंडो 10 में जो है विंडो और स्पेस बार से भी जो है आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। विंडो और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो आप उर्दू यहाँ पर कर लिए हैं। उर्दू कर लेने के बाद से अगर आप कीबोर्ड में कुछ भी आप टाइप करेंगे, मैं अभी उर्दू कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर हिंदी किया हुआ है, मैं उर्दू पे जाके क्लिक कर दिया। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे, ये देखिए उर्दू में सारी चीज़ें टाइप हो रही हैं। मैं इनकी साइज बढ़ा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको दिखाई दे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है,
अब देखिए, अब ये जो चीज़ें जो हैं तो आप देख ही रहे हैं, जो है ये उर्दू टाइप हो रहा है। आप जानते हैं कि ये वो उल्टे साइड से जो है, उल्टे डायरेक्शन से टाइप होता है चीज़ें। अब जो है वहाँ पर आपने प्रूफिंग लैंग्वेज के नीचे चेक किया था, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, लेकर फिर से चल के वहीं पर लैंग्वेज में गया। यहाँ पर आपने जो है चेक किया, इसके वजह से जो है आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, उसके लिए जो है आपसे कहता है कि प्रूफिंग टूल को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें जो गलतियां होंगी उससे संबंधित जो है आपके सामने ग्रामर स्पेलिंग एरर वगैरह आने लगेगा। तो ये डाउनलोड करना भी आसान है, आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, microsoft.com पे लेकर जाएगा। और यहाँ पर जो है आते ही आपके सामने करना क्या पड़ेगा कि नीचे आइए, नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर दिया इंस्टॉल द लैंग्वेज एक्सेसरी पैक, और यहाँ पर जो है न्यूअर वर्जन सेलेक्ट रखिएगा। अगर आपने 2016 वर्जन इंस्टॉल किया तो इसको सेलेक्ट रखिएगा, अगर आपने 2013 या जो भी वर्जन है न्यूअर वर्जन है तो इसको सेलेक्ट रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करिए और इसमें से ढूंढिए उर्दू कहाँ पर है, नीचे आइए उर्दू लैंग्वेज को हम ढूंढ लेते हैं। उर्दू से संबंधित जो है अगर गलतियाँ आप में होंगी जब आप उर्दू में लिखेंगे तो वो ये रहा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक कर देने के बाद से जो है इसके सामने देखिए यहाँ पर दिया है 32 बिट और 64 बिट। तो जो भी सिस्टम आपका हो, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है या अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है, तो इनमें से दोनों को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं कि सिस्टम 32 बिट है कि 64 बिट है, उसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे जो माई कंप्यूटर या दिस पीसी लिखा रहता है विंडो 7 विंडो 10 में, तो इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्लियरली दिख जाएगा कि आपका सिस्टम 32 बिट है 64 बिट है। यहाँ पर देखिए लिखकर क्या है, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम टाइप में चीजें आपको दिख जाती हैं, मेरा सिस्टम 64 बिट का है, मैं जाकर के यहाँ पर 64 बिट वाला जो है उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जी हाँ 64 बिट में मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड होने लगेगा। नीचे देखिए आप इसे सेव कर लीजिए, ये छोटा फाइल होता है, आप इसे जैसे सेव कर लेंगे उसके बाद से जो है आपके सामने यहाँ पर रन का ऑप्शन आता है, रन पर क्लिक कर दीजिए और ये आपके कंप्यूटर में जो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लैंग्वेज पैक को जो है इनेबल करने के बाद उसके प्रूफिंग जो गलतियों को चेक करने से संबंधित जो सॉफ्टवेयर होते हैं लैंग्वेज के, उस भाषा के, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल भी हो जाता है। तो आपने देख लिया किस प्रकार से अपने सिस्टम में आप जो है किसी भी नए लैंग्वेजेस को जो है इनेबल कर सकते हैं, इनेबल कर लेने के बाद से उसके प्रूफिंग को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देख लिया। अगर आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ टास्क बार पे, तो इंग्लिश हिंदी और उर्दू तीन दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी लैंग्वेज को यहाँ से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं एमएस ऑफिस से, तो उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे चलिए मैं आपको रिमूव करना भी बता दे रहा हूँ। अल्ट टैब मैंने प्रेस कर दिया, अल्ट टैब प्रेस कर देने के बाद से वापस लैंग्वेज पे चलिए और सबसे पहले जो है जिसको भी आपको इरेज करना है यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करिए और फिर क्या करना है इधर साइड में आपको दिखा रहा है रिमूव, रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। तो रिमूव पे जब आप क्लिक कर देंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस से तो रिमूव हो जाएगा लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर नीचे आपको आपके टास्क बार पर यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ से रिमूव नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिमूव करने के, अगर आप यहाँ रिमूव करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले जाकर कंप्यूटर से आपको इसके कीबोर्ड को पहले रिमूव करना होगा। वो कैसे पॉसिबल होता है, तो आप सबसे पहले यहाँ रिमूव ना करिए, आप पहले नॉट इनेबल पर वापस क्लिक करिए। जैसे नॉट इनेबल पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो है आपके सामने खुल जाता है। जब ये खुल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इसी को आपने ऐड किया था उर्दू को, आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट रखिए और यहाँ पर रिमूव दिया, रिमूव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद से यहाँ पर ओके करिए। अब जो है यहाँ पर उर्दू को क्लिक करके सेलेक्ट करिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर देंगे। अब आपके पास सिर्फ दो लैंग्वेज बचा है इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर ओके करिए, ओके कर लेने के बाद से जो है कह रहा है कि एक बार रिस्टार्ट करिए, तो आप एमएस ऑफिस को एक बार जो है यहाँ रिस्टार्ट कर दीजिए। तो मैं जो है इसे रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एमएस वो लैंग्वेज में जो डाउनलोड कर रहा था उसी का ही सब मैसेज दिखा रहा है, लैंग्वेज का जो प्रूफिंग टूल था। तो मैं एमएस वर्ड को यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक कर देने के बाद से अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज में आ गया नहीं, अभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। और नीचे टास्क बार पे भी देख लेते हैं क्लिक करके, तो यहाँ पर भी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दिखाई दे रहा है। तो इस क्लास में आपने सीखा कि अगर आप एमएस वर्ड पे काम करने जा रहे हैं और आप इस पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखना चाहते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस को यहाँ पर इनेबल करना चाहते हैं, उसके प्रूफिंग जो है पैक है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।